सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये जो प्रयास है इसमें हमारे डॉक्टर सोमू सिंह जी का प्रयास है, जो इन्होंने इस तरह से बहुत सारे लोगों को जोड़ने का कोशिश किया है। ये बहुत सराहनीय कार्य है और इस पूरे माहौल में, जो इस तरह का हमारे माहौल, इसने हमको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने का मौका दिया है। और इस अवसर का प्रयोग करते हुए हम लोग जब बात बहुत सारे विषयों की करते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स की बात करते हैं, बहुत सारे पेडागोजीज की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है और जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो ये है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो कि हर स्तर पर, हर जगह पर प्रयोग में आता है, लेकिन इसकी जो अभी स्टेटस है हमारे लर्निंग का, उसकी हम बात करना चाहते हैं कि ये कैसे इसको हम बहुत मीनिंगफुल और बहुत रेलेवेंट बना सकें, इसकी बात हम करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे क्लास 1 से 10 तक एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। हर क्लास में, अगर हम पहले की भी क्लासेस की बात करें, लेकिन फिलहाल इन 10 क्लासेस में ये अनिवार्य रूप से पढ़ा और पढ़ाया जाता है। लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति जो है उसकी हम चर्चा करेंगे और उसमें हमारे टीचर एजुकेशन का क्या रोल है, हमारा क्या, जो लोग यूनिवर्सिटीज में बैठे उनका क्या रोल है, जो टीचर्स हैं, जो एक्चुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका क्या रोल है और होना चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक चीज हम आपसे सबसे शेयर करना चाहेंगे। मैं इससे पहले कि इस बारे में पूरी चर्चा करूं, संक्षिप्त में अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं जैन बालिया, मैं जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं और एक मैथमेटिक्स एजुकेशन के साथ मेरा वास्ता रहा है फॉर लास्ट 32 ईयर्स। मैं पढ़ाता रहा हूं टीचिंग ऑफ मैथ्स और उसका स्टूडेंट हूं मैं, और उस नाते बहुत सारी कुछ मेरे अपने अनुभव है जो, और जो मैंने महसूस किया है, जो मैं देखता हूं, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। हम जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है 3 Ds की, जो मैं हमेशा बात करता हूं, मैं अपने स्टूडेंट से भी यही बात करता हूं कि इस मैथमेटिक्स टीचिंग को 3 Ds ने बहुत तरह से, मैं कहूंगा, जकड़ रखा है। अब 3 Ds क्या है, अक्सर ये माना जाता है, लोग कहते हैं, जो कि गलत है, जिसका समाधान हमने इस पूरी पर चर्चा में ढूंढना है, कि मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक ड्राई सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक डल सब्जेक्ट है, सुस्त सा बच्चे कहते हैं, जबकि यह है ही नहीं। हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं इस चीज को, ये ऐसी बात है ही नहीं। और सबसे पहला जो डी जिसकी हमने बात कही, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और उसकी वजह से एक ऐसा ऐसा माहौल बना होता है पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, चाहे जो भी स्टेक होल्डर्स हों, टीचर्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिसी मेकर्स, सब लोग परेशान रहते हैं कि ये भी मैथमेटिक्स में बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं, मैथमेटिक्स की हालत बहुत खराब है, मैथमेटिक्स में बच्चों के अचीवमेंट्स पर बात होती है। हम मैथमेटिक्स को कैसे जॉयफुल, कैसे मीनिंगफुल बनाए, कैसे इंटरेस्टिंग बनाए, उसके लिए क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है एज टीचर्स, एज टीचर एजुकेटर्स, एज पॉलिसी मेकर्स एंड एज स्टूडेंट्स, इन सब की हम बात करें। तो पहले हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में जब हम मीनिंगफुल की बात करते हैं, मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने की बात करते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। देखिए, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में
जो सबसे खास बात होती है वो दो है हमारी, एक कंटेंट, और भी आयाम है, और भी बहुत सारे डोमेन्स हैं, लेकिन जो मैं दो बातों की बात करना चाह रहा हूँ जिस पर पूरा सिस्टम हमारा घूमता रहता है, उसी पर ही हमारे बच्चों के कंसर्न्स होते हैं, टीचर्स के कंसर्न होते हैं। एक हो गया कंटेंट और दूसरा हो गया पेडागॉजी, बाकी बहुत सारी सेकेंडरी चीज़ें भी हैं, मैं इन दो बातों पर ज़्यादा कहना चाहूँगा। जो भी हमने आपसे कहा कि एक एक ये बात है कि मैथमेटिक्स को लोगों ने ऐसा क्यों बना दिया कि बच्चों को उसके लिए परेशानी होती है, बच्चों का ध्यान बहुत ज़्यादा होता है, हम देखते हैं स्कूल में टाइम टेबल्स भी बनते हैं तो उसके लिए लोड ज़्यादा रखा जाता है, हर प्रिंसिपल, हर टीचर, हर पेरेंट्स बच्चे के मैथमेटिक्स के लर्निंग के लिए बहुत परेशान रहते हैं, बहुत कंसर्न रहते हैं। व्हाई डज इट हैपन सो, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो रहा है? काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज हैं, ये कोई प्रॉब्लम यहाँ की नहीं, बाकी उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं और मैथमेटिक्स एजुकेशन को बहुत बदलाव किया है, बहुत चेंजेस लाए हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, इस पर एक बहुत जरूरी चर्चा करने की जरूरत है। तो उसमें सबसे पहला जो मैंने आपसे एक बात की वो है कंटेंट की। हम जब कंटेंट को डिजाइन करते हैं, चाहे वो, चलिए एक उसका मैं एक बहुत सिंपल सी बात हम करेंगे कि जब हम कंटेंट को एक क्लास के लिए प्रोवाइड करते हैं, सर्व करते हैं कंटेंट को, उसके लिए पूरे, चाहे वो टेक्स्ट बुक के थ्रू हो, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स उसको देखते हैं कि किस क्लास में कौन सा कंटेंट कितना पढ़ाया जाए, क्योंकि जब कंटेंट की बात आती है बहुत सारे इश्यूज हैं, कितना पढ़ाएं, कितना हम इस क्लास में दें, कितना उस क्लास में दें, कितना कंटेंट का ग्रेडेशन क्या हो, कंटेंट का को अलग अलग क्लास में कितना रखा जाए, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या हो, बहुत सारे इश्यूज की बात आती है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है और मैं मानूंगा कि इस पर बहुत सारे हमारे एजुकेशनिस्ट ने काम किया हुआ है। मैथमेटिक्स एजुकेशन का अगर आप NCF 2005 की बात करते हैं, जो राष्ट्रीय हमारी पाठ्यक्रम रूपरेखा रही है, उसमें बहुत काम हुआ है और उस पर अगर आप बहुत डीप में जाके देखें तो उसमें ऐसी बातें बहुत कही गई और बहुत तरह का उसमें सुधार भी लाया गया। उस वक्त जो 2005 के बाद जो हमारी पाठ्य पुस्तक बनी है, जो गतिविधियाँ हुई हैं, लेकिन बात वहां पर खत्म नहीं होती है, बात यहां पर आती है कि कंटेंट को का डिजाइनर सिर्फ बुक में दी हुई बातें नहीं है, वो पॉलिसी मेकर्स का ही काम नहीं है। एक्चुअली कंटेंट को अपने हिसाब से डिजाइन करना और जहां पर टीचर्स का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए उसी से कनेक्टेड जो दूसरी बात हमने आपसे कही वो है पेडागॉजी। अब यहाँ पर मैं उसके बारे बाद में बात करूँगा कि उसमें टीचर एजुकेशन क्या सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि टीचर एजुकेशन में मेरा पर्सनल ये फीलिंग है कि बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है मैथमेटिक्स एजुकेशन में। और उस तरह की जो हमारा पाठ्यक्रम है, जिस तरह का करिकुलम है, सिर्फ टीचिंग ऑफ मैथ्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। BEd कॉलेजेस में या टीचर एजुकेशन शूट्स में वी नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। कहाँ क्या कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात एक साधारण क्लास की बात कर रहे हैं कि जो पेडागॉजी यूज करनी है, अब उस पेडागॉजी को कंटेंट के हिसाब से क्या होनी चाहिए उसके बारे में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं उदाहरण लेना चाहूंगा, जैसे कि हम एक सिंपल सी बात करते हैं, एक टॉपिक बच्चे को क्लास में बताना है that sum of angles in a quadrilateral is 360 degree. अब एक टीचर उसको क्लास में आकर बच्चों को सिर्फ एक तथ्य के रूप में बता देता है, ये एक फैक्ट है, ये एक बात है जो कि शायद होती है, ऐसा होता है कि भाई कोई भी quadrilateral हो उसके जो angles होते हैं, चार angles, इसका sum 360 degree होता है। अब तथ्य क्या बच्चे ने खुद लिया है, क्या उसको किसी ने दिया है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर पेडागॉजी यूज होती है
कि क्या बच्चे को हमने, आप सब जानते हैं इस बारे में कि क्या इंडक्टिव एनालिसिस के थ्रू बताया है, इंडक्टिव मेथड के थ्रू बताया, इंडक्टिव पैडागोजी यूज की कि डिडक्टिव पैडागोजी यूज की। अब जनरल क्लास में टीचर्स क्या करते हैं आप सब जानते हैं, इसमें बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि टीचर क्लास में आकर लिख देता है, श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है या कहीं भी लिख देता है। आजकल तो स्मार्ट क्लासरूम्स का टाइम है, आजकल हम डायरेक्टली बच्चों को बना बनाया फूड सर्व कर देते हैं, और एक बात आ जाती है कि सम ऑफ एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो अब फिर टीचर कहता है ठीक है, ये चार एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। हमने इसका इंडक्शन नहीं किया, हमने फैक्ट्स बता दिए, और फैक्ट्स के बाद हम सीधे उसकी एप्लीकेशंस पर आ जाते हैं। हमने कहा भाई दीज आर थ्री एंगल्स, ए इज दिस मच, बी इज दिस मच, सी इज दिस मच, नाउ फाइंड आउट फोर्थ एंगल। सो व्हाट चाइल्ड विल डू, ही विल सिंपली से ओके द सम ऑफ थ्री एंगल्स इज दिस, एंड देन 360 से माइनस किया, he'll find out the fourth angle. Now, what has happened here? The child has simply accepted that fact as a given fact. As a given fact, he has accepted and he has, okay, he has applied. He has deduced. उसने question भी कर लिए, copy में homework भी किया, this, that. But the question is, has he actually accepted the fact through induction? हम इंडक्टिव मेथड आप सब जानते हैं बहुत कम यूज करते हैं। क्या टीचर ने क्लास में बच्चे को इंडक्टिव एनालिसिस के थ्रू, इंडक्टिव मेथड के थ्रू, इंडक्टिव पैडागॉजी के थ्रू क्लास में बताया? और कर सकता था वो, मैं यही बात कर रहा हूँ कि सिंपल सी चीज़ है। इसमें टीचर बच्चों को क्वाड्रिलेटरल, चाहे बच्चे अपने हाथ से ही क्वाड्रिलेटरल बना के चार एंगल्स को एक्चुअली चेक करके देख लेते, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना के चेक कर लो उसको, या टीचर क्लास बोर्ड में एक एक्टिविटी करा के फोर एंगल्स का एक जस्ट ही टेक सिंपली अ पीस ऑफ पेपर, उस वही पेपर इटसेल्फ इज अ क्वाड्रिलेटरल, उसके फोर एंगल्स को कट करके एक साथ पेस्ट करके जोड़ के कहीं पर भी बच्चों को दिखा दे, एक्टिविटी करा दे, लेट एवरी चाइल्ड फील्स दैट इन एनी सिचुएशन वेदर द क्वाड्रिलेटरल एंड व्हाट ही कैन डू, वन पीस ऑफ पेपर ही कैन कट इन डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल, यू कैन ट्राई वन क्वाड्रिलेटरल, आस्क द अदर स्टूडेंट्स टू उसके चारों एंगल्स कट करो या चेक करके देखो, व्हाट विल हैपन दैट एनी काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट वुड लीड टू सम एज 360 डिग्री। नाउ दिस व्हेन दे परसीव दिस फैक्ट, जब उस फैक्ट को एक्चुअली परसीव, जिसको हम लोग आगमन विधि बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, हम पढ़ते हैं इसको बच्चों को बीएड कॉलेजेस में, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग दैट इन एक्चुअल क्लास में, आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, वेरी मेनी अदर एग्जांपल्स आर आल्सो देयर, व्हाट हैपेंस कि वो चीज क्लास में बच्चे एक गिवन फैक्ट की तरह लेते हैं, ये सर ने बताया है, ये मैम ने बताया है, एंड दैट इज व्हाई इट हैपेंस लाइक दिस, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बुक्स में लिखा है, इसलिए ऐसा होता होगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं, एक्सेप्टेड फैक्ट है कि मतलब मान रहे, लेकिन वो पूरी तरह से उसको अटेन नहीं करते हैं, और अटेन करने के लिए जरूरी है कि वो उसको जब तक खुद नहीं करेंगे, जिसको हम सालों से कहते आ रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, अनलेस यू डू इट योर सेल्फ एंड अनलेस यू फील इट योर सेल्फ दैट यस इट हैपेंस लाइक दिस, एक्चुअली ऐसा हो रहा है, लेट हिम फील दैट। जब तक हम किसी चीज को फील नहीं करेंगे, एक सिंपल से हमने आपसे बात की, बहुत सारे एग्जांपल्स, सो द पेडागोजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव सो मेनी पेडागोजीज, वी हैव सो मेनी, आई वुड से सिंपली द क्लासरूम सिचुएशंस विच टीचर शुड मेक इट यूज और मेक यूज सो दैट दैट लर्निंग द मैथमेटिक्स लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल, मैथमेटिक्स लर्निंग बिकम्स रेलेवेंट, दिस इज अनदर इशू। रेलेवेंट हो जब तक नहीं होगी बच्चे को, जब तक आप उसके साथ लाइफ से नहीं जोड़ेंगे, लाइफ से जोड़ना क्या, उसका कॉपी का पेज उसका लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसकी साथ में जो चीजें वो महसूस कर रहा है, देख रहा है, वो सब उसकी लाइफ के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पर एक और मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब मैंने रेलेवेंस की बात की, क्योंकि जब तक चीज रेलेवेंट नहीं होती वो मीनिंगफुल हमारे लिए बनती है, और अनलेस इट इज मीनिंगफुल द लर्नर विल नॉट एक्सेप्ट इट, ही विल नॉट एंजॉय दैट पीस ऑफ कंटेंट।
वो मैथमेटिक्स को जो हमने बनाया हुआ कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बड़े साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जिसको कि बच्चे मोस्टली रोट मेमोराइजेशन करते हैं, लर्न करते हैं। फॉर्मूले ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी होल क्यूब, दिस एंड दैट, पाइथागोरस थ्योरम, लेट एवरी चाइल्ड बिकम्स अ पाइथागोरस हिमसेल्फ पाइथागोरस, लेट हिम फील दैट, लेट हिम एक्चुअली कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, सी दैट यस पाइथागोरियन थ्योरम, सिर्फ एक ट्राइंगल बनाकर उसकी वैल्यूज निकाल देना, दैट इफ दिस इज सिक्स दिस इज एट देन हाइपोटेन्यूज हैज टू बी 10, इट डजंट सफाइस द पर्पस। वो उसको याद कर रहा है, टीचर्स कहता है ये ऐसा पाइथागोरस थ्योरम है दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इट हैपेंस बिकॉज इट इज गिवन बाय पाइथागोरस, सेम वेरी फेमस मेथड, व्हाई डोंट यू मेक एवरी चाइल्ड इज पाइथागोरस। उसके लिए आप उसको वो एक्सपेरिमेंट कराएं, एक्चुअली लेट हिम फील, उसको कराएं, महसूस कराएं, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं, अब हमारे कंस्ट्रेंट से अदरवाइज वी वुड हैव सर्टेनली कंडक्टेड दोस एक्सपेरिमेंट्स। ये ट्रायंगल की हेल्प से किस तरह से बच्चों को हम भी बता सकते हैं, सिंपली बच्चे को हम कॉन्सेप्ट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट इन मैथ्स। Teacher gives them the formulas SP is equal to CP plus profit, or profit is equal to SP minus CP. Formulas दिखाए जा रहे हैं बच्चे को. Now, if this is CP, this is SP, find out profit percentage. Now, why don't we actually create a situation in the class which is as good as situation of market? और ये सब चीजें हमारी, देखिए बात इस चीज की है कि इस पर बहुत कुछ काम हुआ है हमारे, चाहे एनसीएफ की बात करें, उससे पहले जितने हमारे पाठ्यक्रम बने और अभी भी जो जिस पर काम हो रहा है, मैथमेटिक्स एजुकेशन पर काफी काम हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिशनर बैठे हैं, मैथ्स के टीचर्स जो बैठे हुए हैं, उनको इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, और हम जैसे लोगों को, जो लोग हम लोग टीचर एजुकेटर्स हैं, कि टीचर एजुकेशन के करिकुलम में भी हमको मैथमेटिक्स एजुकेशन पर बहुत ध्यान देने का जरूरत है। अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात आपसे कर रहा था, क्योंकि मार्केट लाइक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी क्लास में। लेट एवरी चाइल्ड फील्स दैट आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये भाई एक ये आपने बॉक्स है, ये आपने इतने का लिया है, एक मार्केट सिचुएशन क्लास में क्रिएट करें, सो दैट चाइल्ड डजंट क्रैम द फॉर्मूला, उसको उस फॉर्मूले को याद नहीं करना है, उसको महसूस करना, उसको उस चीज को ऐसा लगे कि मैं मार्केट में जा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम व्हेन ही गोज टू द मार्केट विद हिज पेरेंट्स, वहां पर वो मैथमेटिक्स क्लास को, ऐसा हमारे एनसीएफ में लिखा हुआ है, कनेक्टिंग दैट लाइफ आउटसाइड दैट, कनेक्टिंग क्लासरूम अपॉर्चुनिटीज विद आउटसाइड लाइफ, वो उसको अपनी क्लासरूम को मार्केट से कनेक्ट करे, मार्केट में जब जाए तो वो क्लासरूम से कनेक्ट रहे, मैथमेटिक्स, that is the meaning of making mathematics interesting and meaningful, and for that purpose teachers, first of all teachers who are main aapse ek baar bata dun ki isme aisa nahi log kehte bhai main maths ka teacher nahi hu, mathematics is the walk of life, mathematics koi bhi situation aap le lijiye, aur aap jante hain jo hamari foundation stage hai, जो हमारी मैथमेटिक, जो हमारी प्राइमरी स्टेज है, हमारी जो एलिमेंट्री स्टेज है, वहाँ पर तो मैथ्स जो है वो कंपलसरी है बच्चों के लिए, मतलब कंपलसरी इन द सेंस कि वहाँ पर जो भी टीचर होता है वो एज सच नहीं होता है कि उसको भी ये इंग्लिश पढ़ानी, हिंदी पढ़ानी, जब मैं पीआरटी प्राइमरी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, इज अ जनरल लाइन टीचर, ही हैज टू टीच, गलतियाँ वहाँ होती, वहाँ पर ये माना जाता है कि भाई नहीं ये टीचर मैथ्स नहीं पढ़ाएगा या वो पढ़ाएगा, जो भी टीचर्स वहाँ लगे हैं वो फाउंडेशन स्टेज, और वहीं गड़बड़ होता है, वहाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट देना, चाहे सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन में हम बच्चों को कई बार इस पर हम डिस्कशन करते हैं, बच्चों को हम टेबल्स लर्न करवाते हैं, हमारे टाइम में होता था, अब मैं कई बार लोगों से इस पर डिस्कशन करता, लोग कहते हैं फिर से कैलकुलेशन कैसा फास्ट होगा, कैसे हमारा कैलकुलेशन हमारे कैसे होंगे अगर हम टेबल्स नहीं लर्न करेंगे, लेकिन टेबल लर्न करने से क्या
हम बच्चे को क्यों नहीं बताएं, क्योंकि इसके मेथड्स हैं, आ चुके हैं। चाइल्ड शुड डू कैलकुलेशंस थ्रू थ्रू सिंपल, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन सिंपली रिपीटेड एडिशन। उसको हम क्यों बताएं कि भाई तुम 20 तक के टेबल्स याद करो, तुम 13 का टेबल याद करो, 17 का टेबल, जो बहुत डिफिकल्ट हमारे लोग मानते हैं। कई बार मेरी टीचर से बात होती है, मैं उनसे कहता हूँ भाई अच्छा भाई आप 37 का टेबल बताइए, भाई टीचर्स को तो ज़्यादा आना चाहिए। चलिए 43 का टेबल बताइए। हम क्यों नहीं बच्चे को कैलकुलेशंस के सिंपल मेथड्स जो कि हमारी वैदिक मैथमेटिक्स में दिए हुए हैं। मैं बहुत आपसे बताऊं, एम्फेसिस देना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि हम लोग ने अपनी ही मैथमेटिक्स को, जो हमारी वैदिक मैथ्स रही है, उसको कितना इग्नोर किया है, कितना नज़रअंदाज किया है। अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स को एक अपने मैथमेटिक्स में बेस बना के चलें, आई थिंक बच्चों को, और उस वैदिक मैथ्स में आप सब जानते हैं जो हमें मैथमेटिक्स के शिक्षाविद बैठे हैं हमारे साथ, कि मैथमेटिक्स वैदिक मैथ्स में हर सब मैथमेटिक्स की जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच का वहां पर आपको रेफरेंस मिलेगा। ऐसे फॉर्मूले हैं, ऐसे फैक्ट्स दिए हुए हैं जिसमें कि बच्चे को कोई चीज़ क्रैम नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हमने वैदिक मैथमेटिक्स को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, हमने वेस्टर्न मैथमेटिक्स को अडॉप्ट कर लिया और बच्चों को पहले इतना ड्रिल कराया, इतना प्रैक्टिस, और बच्चे उस तरह से मैथमेटिक्स के साथ एक डिटैचमेंट होता गया। मैथमेटिक्स को लोगों ने एक ऐसा सब्जेक्ट बना दिया जिसके लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग मार्केट्स ऑफ फॉर मैथमेटिक्स, मार्केटिंग शुरू होगी मैथ्स, और फिर उस केस में मैथमेटिक्स एक बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया जिसमें कि बच्चों को एडिशनल गाइडेंस की जरूरत है, बच्चे परेशान होने लगे। हमने कहीं ना कहीं वैदिक मैथ्स, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो पैडागॉजी जिससे कि क्लास में बच्चों को मैथमेटिक्स, लेट देम इंजॉय मैथमेटिक्स, लेट देम फील मैथमेटिक्स एज ए जॉयफुल एक्सपीरियंस ऑफ देयर लाइफ। कोई भी आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अब मैं यहां पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा, लेकिन मैं बात वही कर रहा हूं आप सबसे कि फोर्थ क्लास की मैथ्स की बुक देखिए, एनसीएफ की हमारी। हमने अपने, जब हम खुद अपने स्टूडेंट्स रहे, हमने एक मेथड पढ़ा, बहुत हम यूज करते थे इस मैथमेटिक्स को, आज भी कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, विच इज नोन एज यूनिटरी मैथड। कि भाई द कॉस्ट ऑफ 6 पेंस इज दिस, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। तो एक हम पेन की कॉस्ट पहले निकालते हैं, अगर कॉस्ट ऑफ 6 पेन इज से 12 रुपीज, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन वुड बी 12/6, सो वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, दिस इज नोन एज यूनिट। एक यूनिट का कॉस्ट निकालेंगे, द यूनिटरी मेथड, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनी नंबर। अब यूनिट मेथड को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है फोर्थ क्लास की बुक में मैथ्स में, और देखिए वो मैं बात आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स को आपको लाइफ से जोड़ना है। लाइफ से जोड़ने का मतलब सिर्फ आप मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट लेके मत चलिए। डोंट टेक मैथमेटिक्स सिंपली एज ए सब्जेक्ट वेयर वी हैव फॉर्मूले, वेयर वी हैव फिगर्स, वी हैव डायग्राम्स, वी हैव सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। अनलेस वी टेक मैथमेटिक्स एज आवर लाइफ, वी कांट रन आवर लाइफ। वो क्या है, जैसे कि अभी मैं आपसे बता रहा था कि ये हमारे कोठारी कमीशन में भी या कितने भी हमारी जो पॉलिसीज बनती है, अक्सर ही कहा जाता है दैट इंडिया इज अ कंट्री वेयर वी हैव सो मेनी नेशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन, द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड मॉरल वैल्यूज। द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डेवलप मॉरल वैल्यूज थ्रू मैथ्स, हाउ कैन यू डेवलप नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू मैथ्स, how can you go for the emotional integration through maths? Is it the task of only the teachers who are teaching social science, the teacher who is teaching constitution, or even the teacher of maths can also take up the task of developing emotional and national integration? What to do for that purpose, kya karna uske liye? Now in that case, point is, bahut simple sa example aapne diya, aapke sath main share kar raha hu। एक बहुत बड़ा इशू, हम लोग अक्सर विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं,
और हम सब जानते हैं हमारे कंट्री के लिए विमेन एम्पावरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है. हाउ कैन वी साइट डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एम्पावर्ड वुमेन इन मैथमेटिक्स, एंड दैट इज व्हाट आई एम रेफरिंग टू. कि मैथमेटिक्स की फोर्थ क्लास की बुक में, जहां तक मुझे याद है, मैंने देखा है यूनिटरी मेथड का टॉपिक बच्चों को पढ़ाने के लिए. व्हाट इज यूनिटरी मेथड, द कॉस्ट ऑफ दिस इज दिस. सो व्हाट दे हैव डन वेरी ब्यूटिफुली, दे हैव टेकन अप द केस ऑफ अ लेडी फ्रॉम हरियाणा आई बिलीव, जो कि एक कबाड़ उठाने का काम करती है, जो गार्बेज पिकर होते हैं, जो कबाड़ उठाते हैं, उसकी रियल स्टोरी दी उसमें. अब देखिए ये, अब यहाँ पर मैथ्स टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नॉट टू टीच मैथ्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ ओनली यूनिटरी मेथड. कि हमने यूनिटरी मेथड पढ़ाना, आज क्या पढ़ाने जा रहे हो सर, आज मैं बच्चों को यूनिटरी मेथड कराने जा रहा हूँ. कॉन्टेंट क्या, इसी की मैंने बात शुरुआत में आपसे कही थी, कॉन्टेंट इज इम्पॉर्टेंट एंड देन पेडागॉजी. तो क्या आपने कॉन्टेंट लिया, यूनिटरी मेथड, सो यू गो टू द क्लास, ओके इफ दिस इज द वे ऑफ टू फाइंड आउट द इफ द कॉस्ट ऑफ दिस मच. व्हाट आई एम रेफरिंग टू योर फ्रेंड्स दैट there the content given in the fourth class textbook is so beautifully crafted and presented. If teacher does like that, you are not teaching the students the concept of unitary method only, not making the mathematics more meaningful and relevant, but also you are taking mathematics as an instrument of social transformation, social reconstruction. वो सोशल वैल्यूज बच्चों में डेवलप करना, दैट हाउ, एंड दैट्स अ रियल स्टोरी ऑफ ए लेडी. ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो मैथ्स की बुक में दिए. बट द पॉइंट इज, कंटेंट जो बुक में दिया हुआ है, इट शुड नॉट बी टेकन एज ए फॉर्मूला बेस्ड, इट शुड नॉट बी टेकन एज ए कंटेंट ऑफ समथिंग लाइक डायग्राम्स, फिगर्स, पाइथागोरस थ्योरम. यू हैव टू मेक इट अप एज ए कंटेंट डेवलपिंग सम इंडियन वैल्यूज, देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की बात करें, राष्ट्रीय एकता की बात करें उसमें. उसके लिए टीचर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे. और देखिए उसमें मैं जो आपसे बता रहा था कि ऐसे बहुत सारे, और उसके लिए टीचर को बुक को सिर्फ इसलिए नहीं ले जाना है क्लास में, बुक बच्चे इसलिए रखते हैं बैग में, टीचर्स इसलिए लेके जाता है मैथ्स की टेक्स्ट बुक कि उसमें क्वेश्चंस हैं, उसमें फॉर्मूले, उसमें कंटेंट है. नो, द टेक्स्ट बुक इज अ रिसोर्स मटीरियल where you can develop the, I took the example of women empowerment, nari sashaktikaran. अब आप ये जब, अब मैथ्स, मैं सोचूंगा नहीं मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम तो बच्चों को यूनिटरी मेथड पढ़ाना है, मेरा काम है बच्चों को प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला दे के क्वेश्चन कराने का, मेरा काम है बच्चों को ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. आपको बच्चों को जब ये टॉपिक पढ़ाना है, इससे पहले दैट्स योर ड्यूटी एज मैथ्स टीचर टू डेवलप द वैल्यूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. और वो पूरी स्टोरी उसमें दी हुई है उस लेडी की. द टीचर हैज टू नरेट दैट स्टोरी बीइंग मैथ्स टीचर. बट सॉरी टू से बिकॉज मैं एक रिसर्च स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं अक्सर क्लासेस में जाता हूँ, टीचर से बात करता हूँ. आई हैव रेयरली सीन, ऐसा नहीं कि कहीं अच्छी भी चीज़ें भी हैं कहने के लिए, बट आई हैव रेयरली सीन टीचर्स आर टेकिंग दैट लेसन. इट इज़ नॉट द ओनली लेसन इन द टेक्स्ट बुक, नो, ओनली इन दैट क्लास. हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर इन मैथ्स टेक्स्ट बुक्स. वो टीचर को उसके लिए पेडागॉजी चेंज करनी पड़ेगी, वहाँ पर उसको स्टोरी टेलिंग मैथड यूज़ करना पड़ेगा. अब मैथमेटिक्स में स्टोरी टेलिंग मैथड यूज़ करना, यू हैव टू नरेट अ स्टोरी ऑफ दैट लेडी to impart the knowledge about unitary method. Lekin pehle wo jo concept hai, that should become a medium of developing the values for respecting women, thinking about women empowerment. Aur jo story itni achhi tarah se di hui hai usme pura bataya hua hai, and the whole life story of that lady, how did she, and then you have the questions. You have picture-based, pictorial-based or pictorial-based kind of tasks, questions. Because हमारे सबके घरों में newspapers जो waste होता है, जब वो रद्दी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो खरीदने के लिए, लेने के लिए हमारे garbage pickers जिनको कबाड़ी बोलते हैं, वो आते हैं, ले जाते हैं, उनके साथ parents मोल भाव करते हैं. They should involve their children in that मोल भाव.
teach them unitary method. It's not the responsibility of only the teachers, also the parents. और टीचर जब बात करे उसको कनेक्ट करे उनकी लाइफ के साथ, और यहां पर कनेक्ट उस लेडी की स्टोरी भी करे. आई हैव जस्ट टेकन वन एग्जांपल. सिमिलरली आप प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर देखिए 7th-8th क्लास में. मैं इस कंटेंट को बहुत गहराई में जाके सोचता हूं कि वहां पर क्या. लेकिन बात यह है कि द टीचर्स हु आर इन द क्लासरूम्स दे आर द रियल प्रैक्टिशनर्स. और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं. When we are imparting them training, how to deliver the content, we have to train them that content in mathematics should not be delivered only with the help of so-called, which I refer to inductive and deductive, but also the inductive method should be supported with a storytelling method. You have to induce the content. You have to use inductive method of teaching with the support of other methods, that is storytelling methods. Through story narration or through narration or through so many methods, then you arrive at the induction. Abhi to thoughts hamare mind mein bachcha attain karega, then he doesn't need to know the cram the formula. Ab hum bachche ko ye sab teachers karte hain. When we teach the concept of cuboid, we have to tell him that your own eraser is cuboid, your own pencil box is cuboid, your textbook, your copy is cuboid, your classroom itself cuboid. Duster to rarely use hota hai, lekin jahan bhi duster use hota hai, duster is an example of cuboid, jo hamari mostly classes mein jahan chalkboard use hota hai. So hundreds of examples are there. Let the child, because kai baar I'm sorry to say that hum kai baar teachers ke interview lete hain aur simple se unse baat karte hain, faces ki baat karte hain, corners ki baat karte hain, how many corners cuboid has. वो कॉर्नर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, एजेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, फेसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं. अब उसने वो रट के रखा हुआ होता है कि वन क्यूबॉइड हैज दिस नंबर ऑफ फेसेस, दिस नंबर ऑफ एजेस, दिस नंबर ऑफ डायगोनल्स, और दिस नंबर ऑफ काइंड ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स. लेकिन क्यों ना हम बच्चे को एक्चुअली टच करवाएं क्लास की रूम्स, क्लासरूम्स. देखो एक फेस जिस पर आप खड़े हो, ये एक फेस है उसका, तो यू हैव सिक्स फेसेस. अगर उसका हमको सरफेस एरिया निकालना है, देन वी हैव टू टेल हिम. बच्चे का पेंसिल बॉक्स होल्ड कर ले, बच्चा क्लासरूम की वॉल्स को टच कर, लेट हिम फील हाउ डू वी फाइंड आउट द. अब कराते हैं टीचर, क्वेश्चंस बुक्स में दिए हुए, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल. एंड इफ यू डू लाइक दिस, देन मैथमेटिक्स लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल. नॉट ओनली मीनिंगफुल कैसे बनेगी, when it becomes relevant to their own life, what they feel, it becomes more kind of connected with their day-to-day life situation. And for that purpose, teachers have to actually go to the content, not only through textbook, but they have to use their own applications, mind applications, design their pedagogy accordingly, and then deliver the content. Mathematics should not be treated as a simply a subject of formulae and facts, and the facts which are very hard to learn, which are very difficult to learn, which are very very complex phenomena. Chahe wo concept hamara geometry mein ho, chahe trigonometry mein ho, algebra mein ho, koi bhi facts aap dekh lijiye, har fact hamare life mein use hota hai. अब ट्रिग्नोमेट्री में भी कॉन्सेप्ट आते हैं, वहाँ भी अक्सर हम देखते हैं बच्चे 9th में 10th में दे बिकम सो फियरफुल ऑफ मैथ्स, दे क्रैम द फॉर्मूले ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और उन सब फॉर्मूलों को याद करते हैं, फॉर्मूले के वैल्यूज को याद करते हैं. बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो सीन सम टीचर्स मेकिंग मैथमेटिक्स सो इंटरेस्टिंग. और जो वो ऐसे टीचर्स हैं उनके बेस्ट एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाने चाहिए. जस्ट 3 days बैक आई विल सेट यू एग्जांपल. 3 days बैक वी ऑर्गेनाइज्ड वन इन आवर यूनिवर्सिटी, वी ऑर्गेनाइज्ड वन वर्कशॉप ऑन यूजिंग लो कॉस्ट और फैब्रिकेटिंग लो कॉस्ट लर्निंग रिसोर्सेज, वेयर आई गॉट एन एक्सपर्ट फॉर मैथमेटिक्स हु एक्चुअली मेड दैट ऑल, इवन देयर ऑल टीचर एजुकेटर्स, some students also. He simply explained
how could we make mathematics models, mathematics concepts very simple, very, very interesting? So in this way, mathematics, we can use objects, we can make objects, we can ask the students to make objects, whether you are teaching trigonometry, whether they are teaching algebra, even we have to connect algebra with geometry. I think most of you might be knowing. We can make mathematics like algebra, even the formula for a plus b whole square, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. I have seen students getting confused. It can be very beautifully explained through geometrical principles. Because due to this lockdown period and the lack of facilities, I would have shown you some of the good examples where teachers can use with the help of video camera, with the help of different things, or with the help of the classroom things, like how is a square minus b square is equal to a plus b into a minus b, and the same thing like a plus b whole square, a plus b whole cube. We have so many kind of activities. But the question is that what to do for this? ये बहुत एक सीरियस इशू और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू और उसमें इम्पॉर्टेंट इशू में जिस इशू को मैंने अभी आपसे लिया नहीं और मैंने आपसे दो बातों की बात की बट दैट्स अ पार्ट ऑफ एक्चुअली द पेडागॉजी इटसेल्फ दैट्स व्हाई आई डिडंट टॉक अबाउट बट द क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द होल सिस्टम इज योर इवैल्यूएशन हाउ डू वी इवैल्यूएट मैथमेटिक्स लर्निंग क्या मैथमेटिक्स लर्निंग में भी हम वैसे ही इवैल्यूएट करें जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स करते हैं बिकॉज हियर द इवैल्यूएशन इफ यू आस्क देम व्हिच वी जनरली डू वी आस्क द स्टूडेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन मैथ्स सॉल्व द क्वेश्चंस इन एलजेब्रा सॉल्व द क्वेश्चन इन ज्योमेट्री यू सी द लुक एनी क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथ्स यू विल फाइंड द चाइल्ड हैज टू कैलकुलेट सॉल्व प्रूव फाइंड आउट And that's what it makes mathematics as a very difficult subject, as a subject which you know that you have to learn so many concepts and then come prepared for the exams. I think we all understand when we say evaluation, we are talking about so many concepts in evaluation. थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं because that is connected with content and pedagogy, and that is इवैल्यूएशन मेरे सब फ्रेंड्स जानते हैं जो अभी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग उसकी हम बात करते आए पहले अभी तक यही नोशन है देन वी सेड दैट इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग एंड देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इवैल्यूएशन एज लर्निंग दैट मीन्स एवरी सिचुएशन ऑफ लर्निंग should be treated as simple sense mein baat kar rahe hain baaki usme complexities usme bahut sare paradigms alag alag hain but point is every situation of learning should be treated as a situation of evaluation or every situation of evaluation should be directly connected with the situation of learning now, how to make it ye bacche ko hum tasks de dein projects de dein ki aap ye karke hame batao and that is the evaluation has taken place Why you are asking to find out this? Find out this. You ask the child, okay, to come tomorrow and find out the area of your study table. Finished. Find out the area of your pencil box. Find out the volume of your pencil box. If you are teaching the volume of cuboid, why should we ask him? Give him question that find out volume of this. If this is this, the dimensions are this, and child getting confused. You are making maths as a Why don't we connect with the objects he has in his own bag? We ask him to okay, do you find out any brick in your surrounding bricks? अगर rural sector में कहीं है या कहीं ऐसा किसी जगह पे तो जो भी उसको मिले, choose any cubical objects of around you, and then find out the volume of that, find out the surface area of that. Why should we give him a question which makes him so uncomfortable, so that he has to
know that remember the formula, use it, and then we make mathematics a very, very difficult situation for him. So connecting with life is not simply framing a question, but the framing the whole task, framing the whole situation in a way that he has less load of learning. And he does that. And that's what I told you, then evaluation as learning. उसका लर्निंग आपने कर लिया, इवैल्यूएशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया तो लर्निंग हो गया. दिस टू आर द सेम थिंग्स. फॉर दैट पर्पज आई थिंक वी नीड टू हैव ड्रास्टिक चेंजेस इन अवर इवैल्यूएशन सिस्टम. जब तक हम मैथमेटिक्स में, खासकर मैथ्स में, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, अनलेस वी मेक सम ओवरहॉलिंग, दो कमीशंस कमिटीज हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट एंड सो मेनी रिफॉर्म्स ऑल्सो हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, हैव बीन done, but unless we make it in real sense a meaningful thing, that we make evaluation. I hope I am audible. I lost my connection in between. Mera connection cut gaya tha. So I'm back. I hope log se connection mera ho gaya. Anyway, let me continue. So I was referring to evaluation process. Ki wo mathematics ko joyful karne ke liye, mathematics ko meaningful karne ke liye, mathematics ko relevant banane ke liye, mathematics learning ko, we have some changes in our evaluation system. I'm sorry, Dr. Soumi, because beech mein I'm in the university campus, hamara light chala gaya, so UPS could not work, and then I lost. So I'm using my own mobile 2G connection. So maybe that it is very slow. So content ko design karna, aur main jo uski main baat bahut gehrai se kar raha hu ki content को देने का काम तो टीचर्स का है, कैसे दें ये बताने का काम टीचर एजुकेटर्स का है. कंटेंट को डिजाइन करने का काम, मान लिया बुक ऑथर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स, उन्होंने कंटेंट एनसीएफ वालों ने कर दिया, बट द क्वेश्चन द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ मैथ्स टीचर्स एंड देन ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन, जिसकी मैं बात कर रहा था बिफोर आई गॉट डिस्कनेक्टेड. इवैल्यूएशन प्रोसेस, आप कंटेंट अच्छा कर लेंगे पेडागोजी, लेकिन इवैल्यूएशन आपका वही रहेगा कि बच्चे को क्वेश्चंस करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व करना है और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देने हैं, एंड देन वी थिंक मैथमेटिक्स नथिंग इज गोइंग टू हेल्प अस, दैट मैथमेटिक्स विल रिमेन एज द सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सो कॉल्ड आई टोल्ड यू द ड्राई सब्जेक्ट, जहां पर मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत है. व्हाई डोंट वी मेक मैथ्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ लाइफ, हम उसकी तरह से उसको जोड़ें, दैट वी इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ लाइफ, ये हमारे लाइफ का सब्जेक्ट है. एंड देयरफॉर आई थिंक जो हमारे साथ टीचर एजुकेटर्स कनेक्टेड हैं, वी नीड टू एक्चुअली सीरियसली सिट टुगेदर एंड सजेस्ट सम रिफॉर्म्स इन अवर इवैल्यूएशन सिस्टम ऑफ mathematics, though for all subjects, but especially since this session is for mathematics education, we need to sit and seriously think that what should be the evaluation process for at least up to class 8th, kyunki detachment to 8th se shuru ho raha hai, 8th tak hi ho jata hai bacche ka, 8th tak ki education, the child almost covers age of 12 13 years 14 years, और जो उसका डिटैचमेंट स्टार्ट होता है फर्स्ट क्लास से, और वहां पर रॉन्ग पेडागोजी, रॉन्ग इवैल्यूएशन प्रोसेस, ऑल दीज थिंग्स मेक हिम टू गो फॉर रॉन्ग मेथड्स एंड देन एक्चुअली ही गोज फॉर होल डिटैचमेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स. एक एलिनेशन है मैथमेटिक्स के साथ, कुछ बच्चे जुड़े रहते हैं और कुछ बच्चे, इसलिए भी कहा जाता है कि मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, ये हर चीज में जरूरी है, आपके अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है मैथ शुड बी, बट
why don't we make maths as a very lucid subject? और उसके लिए हमको उसमें बदलाव लाना पड़ेगा हमारे इवैल्यूएशन प्रोसेस में. और मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अप टू क्लास 8th, at least up to elementary, बल्कि 9th 10th, हमने क्यों ऐसा, उसके लिए बहुत एक सीरियस थिंकिंग का जरूरत है. और यहाँ पर जो हमारा ये फेसबुक का ग्रुप है, मैं चाहूँगा हमारे सभी साथी लोग इस पर और चर्चा करें. ये सिर्फ चर्चा ही ख़त्म नहीं होती, बहुत सारी चर्चा करें इस पर. और बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की कि मैथमेटिक्स का हमारा इवैल्यूएशन में प्रैक्टिकल ऐड करने का ज़रूरत है. अब बहुत सारे स्कूल्स में आप देखते हैं मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज होती हैं और उनके हालात हम सब फैमिलियर हैं क्या होती हैं. सिर्फ ट्रायंगल के कार्डबोर्ड के पीसेस रख देने से मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं बनता है. अनलेस वी डू इट प्रैक्टिकली, तब तक उसको हम प्रैक्टिकली बच्चों को कराएं नहीं. लेबोरेटरीज क्रिएट कर देने से मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं बनेगा. अनलेस वी ब्रिंग लेबोरेटरी इन द क्लास, अनलेस वी डू द प्रैक्टिकल थिंग्स इन द क्लास. और उसके लिए टीचर एजुकेशन के करिकुलम में, टीचर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में, टीचर एजुकेशन में बहुत और भी कुछ हमको थिंकिंग का ज़रूरत है. जो हम टीचर्स तैयार कर रहे हैं, जो हम एलिमेंट्री स्कूल के लिए टीचर्स तैयार कर रहे हैं, वहाँ पर मैथमेटिक्स को एक्चुअली किस तरह से कनेक्ट करना है कि उसकी जो पेडागॉजी है, उसमें जो इवैल्यूएशन है, हम क्यों इवैल्यूएशन को इतना डिफिकल्ट बना रहे हैं बच्चों के लिए, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस, बच्चे को क्वेश्चंस करने स्ट्रक्चर्ड वे में करा रहे हैं. हम तो सब इसके भुक्तभोगी रहे हुए कि मैथमेटिक्स में थ्योरम्स याद करनी पड़ती थी और बच्चे थ्योरम्स को रट्टे मार के जाते थे, क्रैम करके जाते हैं वो थ्योरम्स को. और आज तक उनको मैथमेटिक्स की थ्योरम को पता नहीं वो थ्योरम क्या बोलती है, क्या कहती, बट चाइल्ड हैज़ टू क्रैम दैट थ्योरम. भाई गिवन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रूफ के एक एक स्टेप, अगर एक भी स्टेप काट दिया टीचर ने भाई गलत है. ठीक है, यूक्लिडियन मैथमेटिक्स रही हुई है जिसमें उसने बहुत ज़्यादा इस पर एम्फेसिस किया है, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म पर ज़्यादा नहीं चल सकते हम. यू मेक मोर स्ट्रक्चर्स इन मैथमेटिक्स, यू मेक मोर डिटैच्ड पीपल फ्रॉम मैथमेटिक्स. और वहाँ पर डिटैचमेंट तो वहाँ पर शुरू हो जाता है मैथमेटिक्स, वहीं से मैथमेटिक्स को एपिथेट्स देना शुरू कर देते हैं लोग. मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट, हो मैथमेटिक्स बहुत ऐसा सब्जेक्ट है. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फेलो फ्रेंड्स हु आर कनेक्टेड विद दिस फेसबुक पेज, थैंक्स टू द की पर्सन डॉक्टर सोमू सिंह एंड ऑल टीम मेंबर्स कनेक्टेड विद हिम. दिस इज अ वेरी सीरियस थॉट. हम लोगों को सबको बैठकर इसके ऊपर बहुत एक विचार करना पड़ेगा. और वो चीज़ हम सबको एज टीचर एजुकेटर्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जो लोग क्लासेस में जा रहे हैं, टीचर्स तक पहुंचाना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स को लाइफ सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाइए मैथमेटिक्स. और उसके लिए सब कुछ अवेलेबल है, कहीं हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने की जरूरत. आप कोई कॉन्सेप्ट ले लें मैथ्स का और अगर उसका लाइफ से कनेक्शन नहीं है, मैं नहीं मान सकता इस चीज़ को. यू टेक ऑन एनी सब्जेक्ट, एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, यू हैव अ लाइफ सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, कनेक्ट विद दैट, ब्रिंग लाइफ इन क्लासरूम ऑफ मैथमेटिक्स, टेक मैथमेटिक्स क्लासरूम टू योर लाइफ इन द बोथ वेज, देन ओनली योर मैथ्स लर्निंग विल बिकम मीनिंगफुल, देन ओनली योर मैथ्स लर्निंग विल बिकम relevant, then only your maths learning will become directly connected to their own life, their own personality. और फिर mathematics बच्चे के लिए एक joyful experience रहेगा. I have seen many of the maths students, many of the maths teacher for whom mathematics is a joyful experience. वो mathematics को joy की तरह लेके चलते हैं. mathematics उनके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि उनको लाइफ सेटिस्फैक्शन देता है. अदरवाइज मेरे जो पीएचडी स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ जिन्होंने मैथमेटिक्स फोबिया पर काम किया हुआ है, मैथमेटिक्स एंजाइटी पर काम किया हुआ है, एंड रिजल्ट्स आर वेरी 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 शॉकिंग. एंड मैथमेटिक्स में बहुत फोबिया है, मैथमेटिक्स में बहुत एंजाइटी है. वो क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ द सेम थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट, द इनअप्रोप्रिएट पेडागॉजीज,
inappropriate evaluation tools being used. और वहाँ पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन पेडागोजीज को यूज़ करें, वो क्लासरूम वो जो मेथड्स हैं, और ख़ासकर मैं फिर से उस पर एक एम्फेसिस देना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, कि जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसके कंप्लीट रिवाइवल की ज़रूरत है। हम लोग उसको बहुत, और उसके लिए वैदिक मैथ्स को सिर्फ सिलेबस में डाल देने से काम नहीं चलेगा। अनलेस वी मेक वैदिक मैथमेटिक्स एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे टीचर एजुकेशन में वैदिक मैथ्स पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि ये इस ग्रुप में कुछ लोग इस पर इनिशिएटिव लें और काम करें कि एक वैदिक मैथमेटिक्स हमारे नए जो टीचर एजुकेशन का करिकुलम बिल्डअप हो, वहाँ पर उसको कितना एक वैल्यू मिलता है और उसी को बेस मान के चले और वहाँ पर काम करने का जरूरत। दैट मीन्स जो हमारा, और वही चीज़ वैदिक मैथमेटिक्स में ही इवैल्यूएशन के भी जो मेथड्स हैं उसी को बच्चे को, हम उसको क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरह नहीं ले जाएं, उसको उन आराम के साथ ले जाएं जैसे कि वो मैथमेटिक्स को, और व्हेन ही फील्स कंफर्टेबल इन मैथमेटिक्स लर्निंग देन फॉर हिम मैथ्स विल बी अ जॉय, अ सिचुएशन ऑफ जॉय, मैथमेटिक्स विल बी अ जॉयफुल एक्सपीरियंस फॉर हिम, और देन यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन हिज अंडरस्टैंडिंग। लेट अस नॉट confined to the achievements. I don't feel achievement should always be a factor ki bacche ke 100 mein se 100 marks aa jaye. No, if you look at the history of so many great mathematicians, they were very poor achievers in maths, but they become the great contributors of mathematics. So achievement is not the only criteria that okay, a child is getting 100 out of 100 in maths, you feel that okay, he may be a high achiever, but it doesn't mean that he knows mathematics very well. I have many of the examples I have seen. So with these words, I'm thankful to Dr. Somu Singh and the whole team and the people who are actually participating in this discussion. And I don't know whether we have the option of asking questions, and then people can ask the questions, people can go ahead with that response, but if it is any suggestion is there, I would request the organizers to go ahead with any kind of suggestion, any kind of intervention would be accepted. Thank you.